हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुंबई यूनिवर्सिटी के CGPA को किस तरीके से परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, क्योंकि रिजल्ट्स आने के बाद सबसे बड़ा इश्यूज अगर बच्चों को होता है तो यही है कि हमारे CGPA को परसेंटेज में किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। तो इससे रिगार्डिंग में मुंबई यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल सर्कुलर है कि अगर आप 7 पॉइंट CGPA सिस्टम में आते हो तो आपका जो परसेंटेज कैलकुलेट करने का तरीका है वो आपके एक्चुअल मार्क्स के ऊपर डिपेंड होगा। लेकिन अगर आप 10 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम यानी CBCS में आते हो, ठीक है, तो आपके लिए फॉर्मूला यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि परसेंटेज निकालने के लिए 7.1 मल्टीप्लाइड बाय CGPA, यानी आपका जो भी CGPA आया रहेगा उसके साथ आपको 7.1 का मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद प्लस 11 कर दीजिए तो आपका परसेंटेज वहाँ पर कैलकुलेट करके आ गया होगा। ठीक है, एक छोटा सा फॉर्मूला है 7.1 मल्टीप्लाइड बाय CGPA प्लस 11, ये छोटे से फॉर्मूला से आप उसको आप CGPA को परसेंटेज में कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये ऑफिशियल जानकारी आपको पसंद आएगी, क्योंकि हर स्टूडेंट को कभी ना कभी किसी भी कहते कॉम्पिटेटिव एग्जाम में परसेंटेज पुट करने के लिए फॉर्मूला यूजफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन चैनल पर आती रहती है। और चैनल को मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर दीजिए। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।